यमुना चैलेंज ट्रॉफी का फाइनल मैच 3 जनवरी को फरोसा कोटला मैदान में खेला गया। फाइनल मैच नंगला ठकरान टीम और सिभ्यार टीम के बीच खेला गया। पहले टॉस नंगला टीम ठकरान ने जीता और सिभ्यार की टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अमित जी बिहार आज का क्या रणनीति आपका? अगर आप टॉस जीतते तो आप बॉलिंग लेते या बैटिंग लेते? सिभ्यार की टीम ने 8 विकेट पर 131 रन का लक्ष्य ठकरान टीम के सामने रखा, लेकिन अच्छी बॉलिंग करते हुए सिभ्यार की टीम ने ठकरान टीम को जल्द ही पूरे विकेटों से हरा दिया और सिभ्यार की टीम ने यमुना चैलेंज ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इस ऐतिहासिक जीत पर सिभ्यार की टीम को 5 लाख रुपए का चेक दिया गया और उप विजेता टीम को 3 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। ट्रॉफी लेते यह सिभ्यार टीम के कैप्टन अमित मावी हैं, जो बेहद खुश नजर आ रहे हैं और सिभ्यार की टीम ट्रॉफी के साथ जश्न मनाती नजर आ रही है। वहीं सिभ्यार की टीम के कैप्टन से बातचीत की सिटी संवाददाता रविंदर कुमार ने और कैप्टन की खुशी का भी जायजा लिया। यमुना चैलेंज ट्रॉफी का आज फाइनल मैच समाप्त हो गया है। आज जो है सिभ्यार की टीम जो है जीती। आप मेरे सामने देख सकते हैं ये सिभ्यार टीम के जो है कार्यकर्ता हैं, जोश में भरे हुए कार्यकर्ता हैं, जो पूरे ग्राउंड का चक्कर लगा रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं वो सामने बिल्कुल सिभ्यार के जो हैं सपोर्टर हैं, जो लाइन में सब वो खड़े हुए हैं। काफ़ी जोश है, काफ़ी उत्साह है और यहाँ जो है जो मैच हुआ है फिरोजशाह कोटला मैदान में हम इस समय मौजूद हैं। जो फाइनल मैच यहाँ पर आज हुआ है, सिभ्यार की टीम विजेता हुई है, जिसे 5 लाख रुपए की जो है नगद इनाम दिया जाएगा, ट्रॉफी के साथ उसे इनाम दिया जाएगा। काफ़ी उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो है सिभ्यार की टीम ने काफ़ी नाम किया है, काफ़ी समर्थक जो है उनके जो है नारे लगा रहे हैं, खुशियों से झूम रहे हैं। कैमरा पर्सन महेश के साथ रविंदर कुमार, सिटी न्यूज दिल्ली। ट्रॉफी के जीतने वाले सिभ्यार के कैप्टन हमारे साथ हैं अमित जी, उन्हीं से बात करते हैं कि कितनी खुशी उन्हें जाहिर हो रही है। मैं बहुत खुश हूं और ये मैं कैप्टन नहीं, मेरी टीम जीती है, मेरी टीम का हर प्लेयर जीता है, मेरा वार्ड जीता है, मेरी लोकसभा जीती है और ये हमारी टीम नहीं, एक स्पोर्ट्स की जीत है और भारतीय जनता पार्टी के जिसके लिए हम टूर्नामेंट खेले उसकी जीत है। मुझे बहुत खुशी है, इसमें हमने संघर्ष किया लेकिन सारा जो शेद हूँ मेरी टीम के ऑल प्लेयर्स के लिए। दूसरी टीम के लिए कितना लक्ष्य उनको रखा गया था? विकेट गीला था, हमें मालूम था कि अगर हम टॉस जीतते हैं तो हम भी पहले ही बॉलिंग लेते, लेकिन हमने 130 फाइट का स्कोर किया और उसके बाद हमने अपने प्लॉलों से मतलब अपनी जो प्लेइंग मीटिंग जो हमने करी उसके लिए कि हमें इनको रोकना है, 100 से नीचे रोकना है, वो हमने कर दिखाया। क्या कहेंगे मनोज तिवारी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, घर घर से प्रतिभाव को छाटा है, जो यहाँ फरोसा कोटला मैदान में आज कदम रखा, आपने जीत हासिल की, कितनी बड़ी जीत हासिल किया, क्या कहना चाहेंगे? स्वच्छ यमुना अभियान का जो उन्होंने किया
स्टार्ट किया है और एक नारा दिया है, उससे हम बहुत खुश हैं। अपनी यमुना की सफाई के लिए भी और स्पोर्ट्स को जो बढ़ावा दिया है, भैया जी खुद भी क्रिकेट खेलते हैं तो हम लोग बहुत हैप्पी हैं और उनके साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी हम जुड़े रहेंगे। कैसे खुशियाँ मनाएंगे आप? ये टीम और ग्रुप मेंबर ही सब डिसाइड करेंगे कि हमें कैसे एंजॉय करना, लेकिन फिलहाल ये 10 दिन तक चलने वाला है। ये थे हमारे साथ सिप्या टीम के कैप्टन अमित जी, इनका कहना था कि अच्छी तरीके से खुशियां मनाएंगे और ये मनोज तिवारी ने जो ये जो कार्य किया है, बड़े ही उत्साहवर्धक ये कार्य किया है, जो घर घर से जो है प्रतिभाओं को निकाला है, बहुत ही अच्छा कदम मनोज तिवारी जी के लिए बताया जा रहा है। कैमरा पर्सन महेश के साथ रविंदर कुमार, सिटी न्यूज दिल्ली के लिए। लेकिन फिर भी वो बहुत मजबूत टीम है और बहुत बहादुरी के साथ लड़ी है। सर आपके हाथ से कैप्टन कैप्टन को आने दीजिए, नागर ठाकरा के कैप्टन रुक जाओ ये, और नागर ठाकरा के मंडल अध्यक्ष क्या है सर, ये नागर ठाकरा टीम के कैप्टन है, इनको रनर्स की ट्रॉफी आपके हाथ से। सर ये 280 टीमों में रनर्स टीम है और सबकी तालियां बजनी चाहिए। इस टूर्नामेंट का रनर होना बहुत बड़ी, 3 लाख रुपए का चेक सर इनको पुरस्कार। थैंक यू। क्या कहना चाहूँ, आज दिन ही खराब था हमारा, दूसरी टीम ने अच्छी गेंदबाजी की आज हमारे खिलाफ, बहुत अच्छा। चलो बहुत आपने जो दिन खराब, दिन कभी अच्छा होगा, बट आपके अच्छे खेल के लिए नागर ठाकरा को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। मैं एससीयू बिहार के चैंपियन टीम के कैप्टन से निवेदन करूंगा वो आए और गृह मंत्री जी के हाथ से। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे होने में भैया, थोड़ा आपका थैंक यू वेरी मच सर, ये 5 लाख रुपए का पुरस्कार। और हमारी नई दिल्ली की महिला टीम, नई दिल्ली की महिला टीम के कैप्टन को यहाँ पे लेके आइए। भाई एक बार टीम को आने दो, पूरी टीम को आने दो, थोड़ा थोड़ा मीडिया के लोग पीछे हो जाएंगे तो पूरी टीम का चित्र मिल जाएगा। थोड़ा सा राजेश जी, थोड़ा भाई उतरो ना, पूरी सी बिहार की टीम आ जाए और थोड़ा पीछे हो जाना। हाँ आप दोनों जिलाध्यक्षों का अधिकार है, थोड़ा मीडिया के भैया लोग थोड़ा पीछे हो जाओ। और ये खुशियां बता रही है किस प्रकार से। सर हमने आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरे लिए हमारी हर टीम एक समान है, बट शिव विहार की टीम को निश्चित रूप से मैं जीता हूं। और ये मैं चाहूंगा कि आप जरा कप को नीचे करो, सीबीआर टीम के कैप्टन को। आप सबको नमस्कार, थैंक यू हमें सपोर्टिंग करने के लिए। और सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, राम राम ही होते हैं, हनुमान हनुमान ही होते हैं। हमें जवाब मिला ना रोहिणी में कि हनुमान जी आगे चलते, लेकिन हमारे राम जी सबसे आगे। कोई बात नहीं, आप लोगों की सारी भावनाएं स्वीकार है। और हमारे अजय महावर और